इंजीनियर अमित पंडित का लाइक सब्सक्राइब सब कर दो, माता मखेल बैठ कर पड़ा जाएगा ठीक है। क्यों कबूतर उड़ा रहे थे? कबूतर क्यों उड़ा रहे थे आप? बस मातेश्वरी का आशीर्वाद मिला रहे। हाँ, इसीलिए। कहाँ से आए हैं? हम अहमदाबाद। अहमदाबाद से, गुजरात से। तो कितनी बार आप यहाँ दर्शन करने आए थे? दूसरी बार आए। दूसरी बार आए हैं तो कैसा लगता है आपको यहाँ आके? अच्छा, दूसरी बार आए हैं, कबूतर भी कोई मन्नतें हैं क्या जो आपकी पूरी? बस हाँ, दूसरी बार आए माता जी के आने से बहुत तो यूँ आशीर्वाद मिला तो हम लोग नेक्स्ट टाइम जाके। अच्छा, गुजरात में ही रहते हैं। नाम क्या? राम सिंह। कहाँ आए हैं? माँ कामाख्या के मंदिर आए हैं। क्यों आए हैं? माता का दर्शन करने के आए हैं। क्यों दर्शन करने से क्या होता है, थोड़ा बताइए हमारे श्रद्धालु को, जो भक्तजन हैं, जो दर्शक हैं, वो देखेंगे कि आप असम के गुवाहाटी पहुंच गए हैं, सॉरी असम माँ कामाख्या के दरबार में, भारत का सबसे शक्तिशाली मंदिर। मान्यता ऐसी है कि यहाँ पे सभी मुरादें मन्नतें पूरी होती है, बताइए। देखिए, यह भारत का सबसे सर्वश्रेष्ठ शक्तिपीठ है। अच्छा। और मैया का जो यहाँ पे आते हैं, उनका जो मन में रखे मनोकामना पूर्ण कर देती है, यही माँ शक्ति रूपा है। अच्छा। और यहाँ शक्तिपीठ इसीलिए के बोला जाता है कि माँ का पावन खंड जो हुआ था, अच्छा, वह कमर अस्तित्व इसी जगह गिरा था, इसीलिए करके इसे कामाख्या धाम बोला जाता है। क्या विशेषता है और कुछ जानते हैं इसके बारे में क्या? देखिए, यह चीज तो सदियों युगों की बात है। हाँ। और वह युगों में जो है कि माँ का पावन खंड हुआ था, पावन खंड में से मैया का जो है कमर अस्तित्व इसी जगह गिरा था, इसीलिए करके यह जो है मतलब शक्तिपीठ बोला जाता है। भारत में 52 जगह पे गिरा हुआ है, 52 शक्तिपीठ, 52 शक्तिपीठ है। और एक बात बताते हैं, बताइए आप यहाँ पे आके कैसा आपको क्या लग रहा है? लगभग आप 5-6 घंटे से, तो क्या आपको कहीं कष्ट लग रहा है या आपको आनंद आ रहा है या फिर? देखिए, यह तो यहाँ जो है, यहाँ आने के बाद जो है कि यह महसूस हो रहा है कि सारा दुख यानी सारा जो कष्ट है ना, वह लगता है कि आए धाम में पहुँचते समय जो है कि सारा कष्ट दूर हो गए। कष्ट दूर हो गया जी। हाँ, तो यहाँ पे आना चाहिए, यही ना आना चाहिए। यह तो मैया का दरबार है, यहाँ पे आना चाहिए, आते हैं इसीलिए करके यहाँ पे जो व्यक्ति का जो मन की इच्छा है वो आपको। अभी मैंने भी देखा है भारत के हर एक कोने से, और इतने यहाँ पे श्रद्धालुओं की भीड़ होती है, उमड़ती है भीड़, और माँ कामाख्या के दरबार में मैं भी कुछ मांगने आया हूँ। मैं भी अपने किस्मत को चमकाने के लिए बराबर पहले भी आया था और आज भी आया हूँ, और मान्यता ऐसी है, आप लोग अगर अभी तक नहीं आए हैं तो माँ कामाख्या के द्वार में आवें, और यहाँ पे सारी मन्नतें होती हैं पूरी। हमने भी प्रसादी और बड़ी श्रद्धा के साथ, कहाँ से आए हैं आप? बिहार से आए हैं। बिहार से, तो कैसा लग रहा है आपको यहाँ? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत अच्छा लग रहा है, क्या लग रहा है? शक्तिशाली है। क्या नाम है? इंजीनियर अमित पंडित का लाइक सब्सक्राइब सब कर दो, माता मखेल बैठ कर पड़ा जाएगा ठीक है। बोलिए कुछ, कैसा लग रहा है यहाँ आके? अच्छा लग रहा है। कितना बार आपका ये दर्शन है? ये मेरे पास दर्शन है, ऐसे आया मैं घूम के गया, लेकिन आज मैं दर्शन। क्या लाभ होता है यहाँ आने से? मन का जो आशा है पूरा कर देता है माता रानी। अच्छा, कहाँ पे है ये, कौन सा जगह है? असम गुवाहाटी में है ये। अच्छा, तो भारत का सबसे शक्तिशाली मंदिर है क्या?
हाँ तो ऐसे है, माता रानी का मंदिर तो शक्तिशाली होता है। हाँ तो दोनों आए हैं, पति पत्नी दोनों मिल के आए हैं, तो सारी मन्नतें पूरी होती है। होगा तो माता रानी करेगा, ये करेगा, ये अच्छा काम करेगा तो अच्छा ये फल मिलेगा। कहाँ से आए हैं आप? एक्चुअली असम का है। अच्छा असम के ही हैं, लेकिन यहाँ पे देखते हैं पूरे मालिकाओं में रहता हूँ। यहाँ पे जो मैं देख रहा हूँ पूरे भारत के हर एक कोने से लोग आए हुए हैं, भारत से भी आए, भूटान से भी आए, उसका भी हम इंटरव्यू लिए। अच्छा माता रानी का कृपा है। नाम बताइए अपना। मेरा नाम देवजीत पटेल है। असम सिलचर। यहाँ आप कितने दिनों से दर्शन हैं, कितनी बार अभी माँ कामाख्या के द्वार में आप आ चुकी हैं? पाँच छः बार। तो क्या अनुभव है आपका, क्यों आते हैं पाँच छः बार? थोड़ा बताइए। मन में शांति मिलता है। शांति मिलता है तो मन्नतें आपकी पूरी हुई है इसीलिए आते हैं या फिर क्यों? मन्नतें पूरी होती है तो आप क्या देश की महिलाओं से अपील करना चाहिएगा? देश की महिलाओं, महिला हैं आप, महिला आई है। हाँ दर्शन करिए, माता पूजा करिए। अच्छा तो मनोकामना पूर्ण होगा। पाँच छः बार आए हैं तो कितने बजे सुबह में? अभी पता है घड़ी में बज रहा है लगभग 12 बज रहा है, ठीक है? हाँ। 12 बज रहा है, आप कितने बजे से आप घर से निकला? 6 बजे में। 6 बजे सुबह और 12 बजे तक आप एकदम पूरा एकदम है? नहीं खा के पूरा खाए भी नहीं है आप? पानी भी नहीं खाए। पानी भी नहीं पिए हैं तो इतना देर तक कैसे आप रह रही है? माँ का महिमा है, सुनते हैं माँ की महिमा अपरंपार है, यहाँ आने से सारी मन्नतें पूरी हो जाती है। जैसे मैं भी बिहार से आया हूँ, मैं भी इंजीनियर अमित पंडित हूँ, मैं यूट्यूब चैनल चलाता हूँ, ठीक है? आपका जो मैं पूछ रहा हूँ आपसे, कैसा लग रहा है आपको? बहुत शांति लग रहा है। अच्छा लग रहा है और ये वीडियो बहुत दूर तक जाएगा। हाँ बहुत दूर तक जाएगा। नाम बताइए अपना। मेरा नाम शिप्रा राय। शिप्रा राय, क्या करती हैं आप? हाउस वाइफ हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद है, मैया आपकी और मनोकामना पूरी करे, लंबी उम्र दे आपको। हमको लड़का को बहुत मैया आशीर्वाद देना है। लड़का को? अच्छा लड़का का, दो लड़का है, उसका आशीर्वाद मिलना चाहिए, इसीलिए आप आती हैं यहाँ पे। मिलेगा जरूर, मिलेगा जरूर। अच्छा चलिए धन्यवाद।